तो हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। तो भाई ओप्पो रेडी है अपने ओप्पो रेनो 11 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। अब सीरीज की बात हुई है, एक दो स्मार्टफोन तो होने वाले नहीं है, पूरे दो स्मार्टफोन है, ओप्पो रेनो 11, ओप्पो रेनो 11 प्रो। अब आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ओप्पो रेनो 11 के ऊपर, क्योंकि इसकी ना फर्स्ट लुक बोलिए और इसका स्पेक्स सामने आ चुका है। क्योंकि भाई जैसा ओप्पो का जो है ना एक लहजा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं जो कि अपना फितरत है जो बदलती रहती है। जी हाँ, जैसे ओप्पो रेनो 10 में चाइना में कुछ और था और इंडिया में कुछ और चेंज किया गया था, बदलाव किया गया था, तो वही बदलाव कंटिन्यू रखते हुए ओप्पो रेनो 11 में भी करने वाले। जी हाँ, कुछ डिज़ाइन में भी चेंजेस हैं और कुछ माल मसाले में भी बदलाव किए गए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या प्राइस होगी सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको, लेकिन सवाल है कि इंडिया में कब लॉन्च होगी। तो भाई साहब देखिए, अभी फाइनली कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे सूत्रों के हवाले से पता चला है। जी हाँ, अभी सुना ना आपने, सूत्रों के हवाले से वो पता चला है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर 11th ऑफ जनवरी को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट में ये लॉन्च होना है। इससे पहले मलेशिया में लॉन्च होगा, फिर उसके बाद 11 तारीख को ही ये लॉन्च हो सकता है, दोनों एक साथ लॉन्च कर दिया जाए या फिर उसके बाद लॉन्च किया जाए, लेकिन 11 जनवरी का डेट सामने आ रहा है। अब आप देख लेना, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो सब यही बताने वाले हैं, देख लेना। चलिए देखते हैं ओप्पो रेनो 11 में क्या बदलाव किया गया है, क्या स्पेक्स होने वाला है, सब कुछ बात करूंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे हैं खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या खास होने वाली है ओप्पो रेनो 11 में। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए, यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलने वाली। जी हाँ, ग्लास का बैक होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक फ्रेम के साथ ग्लास फ्रंट देखने को मिलने वाली है। लेकिन सवाल है कि फ्रंट में किस चीज का प्रोटेक्शन है। अब ओप्पो अपना वही पुराना जो प्रोटेक्शन वही कंटिन्यू करेगी, AGC DT Star 2 के नाम से आता है, उसी को ये प्रोवाइड करने वाली है। हालांकि फोन का वेट बताया जा रहा है 185 ग्राम, ठीक है, 7.99 mm के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई भी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलने वाला। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन में, ओप्पो रेनो 11, ओप्पो रेनो प्रो, दोनों में ही कोई भी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देना चाहिए था। खैर, देखा जाए, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो यहाँ पर डिज़ाइन में बदलाव किया गया है। जी हाँ, अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। बैक साइड देखेंगे तो आपको टॉप पे ना एक ओवल शेप में ही आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर दो रिंग दी गई है। पहले रिंग में पहला सेंसर है, दूसरे रिंग में दो छोटे छोटे सेंसर देखने को मिल रहे हैं, जो कि चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर। हाँ, LED फ्लैश के साथ नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो देखिए जाए, डिज़ाइन ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, बस कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बदलना चाहिए था। जब बदलाव कर ही रहे हैं तो भाई पूरी तरह से बदलाव करना चाहिए था, खाली कैमरा सेंसर को रिप्लेस करके ही कुछ होता नहीं है, लेकिन ठीक है, देखने में अच्छा है। मुझे तो भाई ऐसा कैमरा मॉड्यूल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी सबका अपना अपना पसंद है। लेकिन हाँ, बॉडी जो रेशियो बताया जा रही है 93% के आसपास होने वाली, यानी कि वेजेस ना के बराबर चीनी पतली सी होगी। कलर्स आपको 3 मिलेंगे, ब्लैक मिलेगा, सिल्वर और ग्रीन, ये 3 कलर्स हैं जो कि देखने को मिलने वाले हैं। ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लुक अच्छा दे रहा है यहाँ पर है। खैर, अब बात करते हैं इसके कंटेंट कंज्यूम करने के लिए डिस्प्ले क्वालिटी कैसी होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले भाई आपको अच्छी मिलेगी, कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि मिलेगा 6.7 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट का OLED पैनल, 24:12x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का स्पेक रेशियो, 394 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 950 nits की पिक ब्राइटनेस, 120Hz की रिफ्रेश रेट, 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1 सपोर्ट तो अच्छी है, 6.7 इंच की है, 10 बिट का आपको कलर्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कलर्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं, कोई ख़राब नहीं है। हाँ, ब्राइटनेस ठीक है, इंडोर में कोई ख़राब नहीं, आउटडोर में भी ठीक है, लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना 1800-3000 nits के, तब आपको कम लगेगा जब धूप आएगा, लेकिन ऐसा है, विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, कोई ख़राब नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते हैं, गेमिंग करते हैं, स्मूथनेस भी नज़र आने वाली है, और कंटेंट कंज्यूम करने के लिए नेटफ्लिक्स को साइड में रख दीजिए, यूट्यूब और अमेजन दोनों में HDR कंटेंट एकदम से रगड़ के देख सकते हैं। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन सवाल है कि इस फोन को चलाने के लिए कौन सा परफॉर्मेंस देने के लिए प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया है। चलिए बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो भाई साहब, यही तो गेम खेला गया है, यही तो चेंज डिजाइन चेंज किया गया है, अब प्रोसेसर में भी बदलाव कर दिया गया, क्योंकि इस इंडिया में जब लॉन्च होगा तो इस फोन को शक्ति देगा MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 प्रोसेसर। जी हाँ, प्रोसेसर ठीक है, कोई खराब नहीं है, 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन अब बनाया तो गया ही है,
एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, हीटिंग उसे काफ़ी कम देखने को मिल जाती है, थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी हीट वीटिंग होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं कि कितना पावरफुल है, यानी कि चलिए नजर डालते हैं इसके रॉक सी की तरफ। तो यहाँ मिलेगा टू कोर्टेक्स A78 जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया, वहीं 6 कोर्टेक्स A55 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया है। ठीक है, कोई खराब नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, लेकिन जो चाइना में लॉन्च किया गया था वही प्रोसेसर दे देते तो क्या जा रहा था। लेकिन नहीं, बदलाव तो करेंगे ही, क्योंकि प्राइस कॉस्ट कटिंग जो करनी है यहाँ पर इनको। चलिए देखते हैं, अभी गेमिंग की बात आई तो गेमिंग भी आराम से कर सकते हैं, 60 में से गेमिंग तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मिलेगा आर्माली G68 MP4 GPU साथ ही LPDDR4X RAM UFS 2.2 वाला स्टोरेज देखने को मिलता है, यानी कि रीड राइट स्पीड में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब 3.1 का आदत लग गया है तो 2.2 में शिफ्ट करेंगे तो स्लो महसूस होगा, लेकिन ठीक, कोई ख़राब नहीं है, चल जाता है। हाँ, 7 5G बैंड आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात ऑनटू स्कोर की, तो 5,57,000 का इसका स्कोर कवर हुआ है प्रोसेसर का। इस डिवाइस पर आएगा तो मैं आपको एक्स पे शेयर कर देता हूँ, जाकर फॉलो कर लीजिएगा, छोटे मोटे अपडेट आपको एक्स में देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद जब डिटेल आती तब वीडियो पूरी बनाता हूँ मैं इसमें। लेकिन हाँ, अब आपको सबको पता ही होगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 लाख होने चाहिए अच्छी गेमिंग के लिए, जो कि यहाँ आपको नहीं मिलता है। लेकिन ठीक है, छोटे मोटे कभी कभी 6 लाख का टच कर जाता है, तो गेमिंग तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है उन लोगों के लिए जो कैमरा के लिए परचेस करना चाहते हैं, पिक्चर्स क्लिक करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर, कैसा होने वाला है, चलिए नज़र डालते हैं कैमरा पर। तो दोस्तों यहाँ पर ना कैमरा क्वालिटी अच्छी दी गई है, कैमरा तो भाई शानदार होती है इनकी, ट्रिपल कैमरा है, कैमरा भी क्वालिटी अच्छी है। पहला है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी का लाइटा 600 सेंसर देखने को मिलेगा, वह 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस सोनी IMX709 सेंसर 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी, वही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सोनी IMX355 सेंसर देखने को मिलता है। तो क्वालिटी तो आपको अच्छी मिलने वाली है, सैंपल एम्पल आता है इंडियन वेरिएंट का तो मैं शेयर कर दूंगा, वैसे मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा आगे चल के तो आपको शो करूंगा जरूर। लेकिन हाँ, रियर से 4K 30fps 1080 240fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो क्वालिटी अच्छी होने वाली है। लेकिन हाँ, सवाल है कि रील शॉट्स और आपके खूबसूरत चेहरे कब से कहने के लिए कितना मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जो कि ओमनीविजन OV32C के साथ देखने को मिलने वाला है। पहले खबर था कि सोनी IMX709 देखने को मिलेगा, लेकिन अब पता चल रहा है ये ओमनीविजन का देखने को मिलने वाला है। खराब नहीं है, रील शॉट्स आप आराम से बना सकते हैं, क्वालिटी आपकी अच्छी निकलने वाली है, 1080 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, शायद 4K का भी रिकॉर्ड आपको देखने को मिल सकता भी, अपडेट नहीं है, आएगा बता दूंगा। लेकिन कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी तो मिल जाएगी। अब सवाल है इस फोन को चलाने के लिए, पावर बैकअप देखने के लिए कितना एमएच की बैटरी मिलेगी। चलिए बात करते हैं बैटरी की, तो इस फोन को पावर देने के लिए 5000 एमएच की बैटरी 67 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है। चार्जर बॉक्स डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बैकअप शानदार निकालेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलता है, सेंसर में सरसर से मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर जीरो इसको अप्रोक्सीमेटली फलां ढकना शटर पुटर सब मिलेंगे, आयर ब्लास्टर, यहां तक कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलेगा, सिंगल स्पीकर आपको यहां पर देखने को मिलता है। हाँ, प्रो बारे में आपको डुअल मिलेगा, यहाँ को सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाला है, यहाँ थोड़ा सा आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब सिंगल स्पीकर डुअल स्पीकर दे देते तो क्या जा रहा था। खैर, अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ आपको मिलेगा एकदम से लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स कलर OS 14 देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कोई खराब नहीं है, आपको यहाँ पर छोटे मोटे ब्लॉटर होते हैं हटा सकते हैं, लेकिन पॉलिसी क्या है अभी कोई अपडेट नहीं है, इसका भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा, एक्स जगह फॉलो कर लीजिएगा, टाइम लगेगा तो इसी में आपको मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, यदि आप में से किसी को पता है ना कमेंट जरूर कर देना, मैं उनका कमेंट पिन जरूर कर दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं इसके वेरियंट्स की, तो यहाँ आपको वेरियंट्स 3 ऑप्शन है, केवल 3 ही वेरियंट देखने को मिलेंगे ऐसा अपडेट आया हुआ है। पहला है 8+256, 12+256, 12+512, ऑप्शंस अच्छे हैं जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट वैसा सिलेक्शन। लेकिन सवाल है कि प्राइस क्या होगी, इंडिया में लॉन्च होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, 150 टारगेट है पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली के साथ, चैनल परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ बेनिफिट मिल जाती है, क्या जा रहा है। खैर, बात करते हैं इसके प्राइस की, देखिए प्राइस तो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रिडिक्शन लगाई जा रही है यदि इसको लॉन्च करेगी तो समवेयर अराउंड 35,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा, ऐसा प्रिडिक्शन है और मुझे भी लगता है 35,000 के अंदर देखने को मिलना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, डिज़ाइन पहले कैसे लगी, स्पेक्स कैसा लगा, चेंजेस पसंद आए कि नहीं आए, और आपके साथ इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर क्या कीजिए, बरसात दीजिए, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कमेंट देखकर, और थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिथम भी लग जाती है तो व्यूज़ में हेल्प हो जाती है, और क्या चाहिए। तो सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए और बने रहिए
कमेंट ऑफ द डे देख के जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.